करने वाले हैं टेंसेस में कंडीशनल्स के बारे में। तो कंडीशनल्स आपके चार तरीके के होते हैं। इस कंडीशनल को पढ़ाने से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग दैट क्लॉज क्या होता है। वॉट इज क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? वॉट इज क्लॉज? दो तरीके के क्लॉज सुने हैं छोटी क्लासेस में, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। क्लॉज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसमें दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर मैं एक सेंटेंस लेके आपको बताऊं तो आप कह सकते हो कि इफ वी हीट अप आइस इट मेल्ट्स, तो इसमें ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ वी मेल्ट अप आइस, हमने मेल्ट अप कर दिया, सॉरी हमने हीट अप कर दिया आइस को, ठीक है, हमने हीट कर दिया, लेकिन इट मेल्ट्स, अगर खाली किसी को इट मेल्ट्स बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? या आप कह दो कि आई हैड फीवर बिकॉज आई एट आइसक्रीम यस्टरडे। अगर हम बिकॉज आई एट आइसक्रीम यस्टरडे सिर्फ बोलते हैं, दैट इज योर डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि उसके पहले कुछ आना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वॉट आर स्पीकर वॉन्ट टू टेल अस। और अगर हम सिर्फ इतना बोल दें कि I had fever, या किसी ने आपसे बोला I had fever, तो आप समझ जाओगे हाँ भाई उसको फीवर था, ठीक है। अब खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंडीशनल्स, कंडीशनल्स जरूरी नहीं है दैट एवरी कंडीशनल स्टार्ट विद इफ, इट्स नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि हमेशा इफ से ही स्टार्ट हो, बट वी आर इन टेंथ क्लास, तो हमें पता है कि भाई टेंथ में तो इफ ही क्लॉज आएगा, ठीक है। लेकिन वेन से भी स्टार्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड विथ से भी स्टार्ट हो सकता है, बट हम इफ में ही ज़्यादातर घुमा देते हैं टेंथ क्लास को, तो इफ ही के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप ज़ीरो से। टाइप ज़ीरो इज़ वेरी ईजी। टाइप ज़ीरो में हमेशा साइंटिफिक फैक्ट्स की बात हो रही होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शंस। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो इसका भी रीज़न है, क्योंकि टाइप ज़ीरो में अगर सिंपल प्रेजेंट है, इफ क्लॉज के साथ, इफ में सिंपल प्रेजेंट है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज होता है? हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट्स में, बस वहीं पर यूज होगा। अब हम बात करते हैं टाइप वन की। अगर टाइप वन की बात करें, दैट इज योर लाइकली कंडीशनल्स, मतलब ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब 80% पॉसिबिलिटी है दैट इट विल हैपन। मतलब जैसे इफ़ यू गो आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इफ़ यू गो आउटसाइड देन यू विल वेट, या यू, यस यू विल वेट, आप जो है क्या कहते हैं, भीग जाओगे। अगर आप बाहर जाओगे, बाहर बारिश हो रही है, अगर आप बाहर जाओगे तो आप भीग जाओगे। इफ़ यू गो आउट इन रेन, अगर आप बाहर बारिश में जाओगे, यू विल वेट, आप भीग जाओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइप वन। टाइप वन में क्या होता है, सेम इफ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट होता है, प्लस विल, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के भी तीन टाइप होते हैं, स्प्लिट इन्फिनिटी, बेयर इन्फिनिटी एंड टू इन्फिनिटी। टू वाला एक होता है, टू प्लस इन्फिनिटी लगाते हैं, टू ईट, टू गो, है ना। बेयर फॉर्म में होता है वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो, गो हो गया, ईट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बेयर फॉर्म होते हैं। स्प्लिट फॉर्म में क्या होता है कि टू प्लस एडवर्ब लगाते हैं, प्लस वी वन लगाते हैं। ये होता है, तो हमें कौन सा लगाना है, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो अब हम टाइप टू को और टाइप थ्री को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बने रहें।